सबसे पहले प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है और कहा कि किसान आंदोलन में शहंशाह घर से नहीं निकले, किसान आंदोलन में 600 किसान शहीद हुए, महल में रहने वाले शहंशाह कैसे समस्या समझेंगे। ये कई बातें कहते हुए प्रियंका गांधी ने हमला बोला है। किसानों के लिए नीति बनाते हैं, किसान आंदोलन करता है, लाखों किसान 4 किलोमीटर दूर उनके घर से बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, महीनों के लिए उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, 600 शहीद होते हैं किसान, लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर चल के हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। एक तरफ पीएम मोदी पर हमला बोला तो प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर भी तंज कसा। चुनाव लड़ने से डरते हैं अमित शाह, ये बात कही है प्रियंका गांधी ने। और शाह के खिलाफ प्रत्याशियों को डराया गया, 16 प्रत्याशियों को धमका कर बैठाया गया, ये तमाम बातें कही प्रियंका गांधी ने। मैंने सुना है कि गृह मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 16 प्रत्याशी ऐसे ही बैठ गए चुनाव से पहले, या तो डराए गए हैं, धमकाए गए हैं, या किसी को घूस दे दिया है और बैठ रहे हैं कि चुनाव ही ना हो। अरे इतने मजबूत गृह मंत्री हो, इतने बड़े प्रधानमंत्री हो, देश की पूरी सत्ता तुम्हारे पास है, सीट पे सीट तुम्हारी है संसद में, और एक चुनाव लड़ने से डर रहे हो? किस बात का डर है? खड़ा करिए 100 प्रत्याशियों को, हराइए उनको, यही तो चुनाव होता है, यही तो लोकतंत्र होता है।